सिंगरौली में विद्युत मीटर रीडर बनकर सोने की चेन लूटने वाले दो आरोपियों में एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी विद्युत रीडर बनकर घर में घुसे और फिर महिला के गले से चेन छीनकर भाग गए। बिलौंजी निवासी महिला सुमन गुप्ता की गले से सोने की चेन लूटने वाले दो आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आरोपी मीटर रीडर बनकर सुमन गुप्ता के घर में घुसे थे और मीटर खराब होने की बात कही, उसके बाद उसे डरा धमका कर उसके गले की चेन छीन ली। बताया जा रहा है आरोपी बिहार निवासी हैं, जिनमें एक को सीसीटीवी के आधार पर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास महिला की सोने की चेन बरामद हुई है, जबकि एक अभी भी फरार बताया जा रहा है। इसको लगभग 11 बजे दिन के आसपास की बात है, दो अज्ञात व्यक्ति एक बाइक से आए और बिलौंजी में सुमन गुप्ता पति विनय कुमार गुप्ता इनके घर की इनके द्वारा बेल बजाई गई। एक आदमी रोड पर ही खड़ा रहा, एक आदमी के द्वारा बेल बजाई गई और जब वो सुमन गुप्ता वहाँ पर अपने दरवाजे पर आई तो उनके द्वारा जो बाहर आदमी खड़ा था उसके द्वारा बोला कि हम मीटर की रीडिंग लेने के लिए आए हुए हैं, तो महिला द्वारा कहा गया कि बाहर मीटर लगा हुआ है, आप उसकी रीडिंग ले लीजिए। तो उसने कहा कि मुझे इसके बिल की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो बिल लेकर के आई और दरवाज़ा खोली, तभी अंदर आदमी घुस गया और महिला को चाकू दिखाते हुए और उसका गले में पानी हुई चैन को करीबन 1.25 तोला के खींच लिया और उस चैन को लेकर के अपने दूसरे साथी के साथ में मोटरसाइकिल से फरार हो गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।